एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक पोइम के बारे में जो पोइम 10th क्लास में फर्स्ट पोइम है। उस पोइम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो, जिसको कंपोज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में अगर हम जानने की थोड़ी सी कोशिश करें तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पूरा नाम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट था। आपका जन्म 26 मार्च 1874 में हुआ था और आपकी मृत्यु 29 जनवरी 1963 में हुई थी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक रियलिस्टिक पोइट कहे जाते हैं। ये अमेरिकन पोइट थे। आपने इंग्लिश में बहुत बड़े पैमाने पर रियलिस्टिक पोइमें लिखी हैं। रियलिस्टिक पोइमें एक ऐसी पोइम जो हमारे रियलिटी को व्यक्त करती हैं, एक्सप्रेस करती हैं। आपके जो पोइम है उसमें पहला पोइम जो है आपकी डस्ट ऑफ स्नो, इसमें भी रियलिटी के बारे में बताया गया है। इस पोइम को अगर हम पढ़ने से पहले थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी ले लें तो अच्छा रहेगा। चलिए हम बात करते हैं इस पोइम के बारे में। ये एक शॉर्ट रियलिटी वाली पोइम है, इसके अंदर रियलिटी दिखाई गई है। इस पोइम को और अगर हम समझें, आपने देखा होगा हमारे परिवार में, हमारे मोहल्लों में, हमारे एरियाओं में लोग कुछ ऐसी सोच, ऐसी थिंकिंग रखते हैं, जैसे हमको लगता है कि ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट को लगता है कि ये सब बेकार की बातें हैं, जैसे ये अपनी खुद की दिमाग की बनाई हुई उपज है। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपने देखा, मान लीजिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि मान लीजिए आप रास्ते से गुजर रहे हैं, रास्ते से गुजरते समय एक कैट यानी कि बिल्ली आपका रास्ता काट गई है। तो आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि लोगों को मैंने देखा है कि लोग रास्ते पर रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। उनको लगता है कि ये सिंबल है काय का, सैडनेस का। ये सिंबल है एक किसी ऐसे दुख का जो हमको बताया गया है इस कैट के माध्यम से। फिर आगे भी वर्णन करते हुए बताते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि मैंने देखा है कि कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ये मान के चलते हैं कि जैसे क्रो यानी कि कौवा, क्रो अगर कहीं पर बोल जाता है तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि एक मैसेंजर है, गुड मैसेंजर है। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि लोगों का मानना यह है कि ये बैड मैसेंजर है, हमको सूचनाएं देता है, बैड सूचनाएं देता आके है। ये प्रतीक माना जाता है डेथ का, इसके बारे में ये बताया गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट में। ये दो बातें बताई गई हैं। अब हम बात थोड़ा सा इस पोइम के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम और बात कर लें। इस पोइम के अंदर एक ट्री का नाम दिया गया है, जिस ट्री का नाम है हैमलॉक ट्री। क्या नाम है? हैमलॉक ट्री। इस पोइम के अंदर हैमलॉक ट्री के बारे में बताया गया है। ये ट्री कैसी होती है, इस पर वाइट कलर का फूल लगा हुआ होता है और बर्फ से ढकी होती है। इस पोइम में ये बताया गया है कि ये मौत का सूचक है। इसकी डस्ट जो उसके ऊपर रहती है, स्नो रहती है, कह रहे हैं ये मौत का सूचक है। इसमें कंपेयर किया गया है जैसे कि एक क्रो जो होती है वो मौत का सूचक होती है, जस्ट लाइक सेम कह रहे हैं हैमलॉक ट्री जो है वो भी एक मौत का सूचक है, इसमें बताया गया है। अपनी रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने विचार को यहाँ पर व्यक्त करते हैं। हम आइए इस पोइम को पढ़ते हैं, लाइन टू लाइन पढ़ते हैं और फिर हम देखते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहना चाहते हैं और हमें किन बातों से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, ये समाज में बुराइयाँ जो लोग मान रहे हैं कि ये कैट रास्ता काट गई तो ये होगा, क्रो बोल दिया, काँव कर दिया तो ये होगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमारे माइंड को उजागर करते हैं, कहते हैं नहीं, कुछ नहीं है, एक ईश्वर है, एक विधाता है, वही करने वाला है, ये कुछ सिंबल नहीं होते हैं। हम बात करते हैं पोइम के बारे में। इसमें पहली लाइन जो दी गई है, द वे आक्रो मीन्स रास्ता हो गया, आक्रो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि मैं कहीं जा रहा था, कहाँ से, बर्फ के रास्ते से जा रहा था, मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि एक क्रो यानी कि कौवा कैसे है बे, यानी कि क्रो क्या कह रहे हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि मैं जा रहा था बर्फ के रास्ते से, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे ऊपर क्या होता है। लाइन आगे बढ़ते उसके बाद आगे बात करते हैं, सूप डाउन ऑन मी यानी कि मैं जब
शेक सूख यानी कि शेक यानी हिला दिया, मतलब मुझे हिलाया किसी चीज ने, हिलाया क्या, जैसे कुछ इनके ऊपर डस्ट गिर गई हो, कुछ गिर गया हो इनके ऊपर, इनको ऐसा महसूस हुआ। आगे की लाइन पढ़ते हैं, द डस्ट ऑफ स्नो, और वो काय की डस्ट थी, वो कह रहे हैं कि बर्फ था, कह रहे बर्फ का जो पाउडर था, बर्फ था, वो उनके ऊपर गिरा। कौन कह रहा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं। कहाँ गिरा, उनके हेड और उनके शोल्डर के ऊपर, उनके हेड और शोल्डर के ऊपर क्या गिरा, बर्फ गिरी, स्नो गिरा। और वो गिरा कहाँ से, कहाँ से गिरा, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, यानी कि वो अपशगुन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि वो अपशगुन जिसको माना जाता है, उस पेड़ के ऊपर से मेरे ऊपर बर्फ गिरी। और बर्फ कैसे गिरी, पहली लाइन फिर हम जाते हैं, द वे आक्रो, यानी कि हो सकता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं आई एम नॉट कन्फर्म, मैंने देखा नहीं था कि वो हमारे ऊपर बर्फ कैसे गिरी, लेकिन मेरे ऊपर बर्फ गिरी, बर्फ गिरी कह रहे हैं, हैमलॉक के बारे में कह रहे हैं। अगली चार लाइनें क्या कहती हैं, हैज गिवन मी अ हर्ट, अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट फिर कह रहे हैं कि हैज गिवन मी हर्ट, यानी कि मेरे दिल में एक अजीब सी आई कि भाई ये मेरे ऊपर क्या गिर गई है, बर्फ गिर गई है। और बर्फ कैसे गिरी है, उस पेड़ से, वो पेड़ कौन सा, हेमलॉक ट्री, और कैसा हेमलॉक ट्री, जिसको अपशगुन माना जाता है, कह रहे हैं अरे मेरे ऊपर हेमलॉक ट्री का पाउडर गिर गया, स्नो गिर गई है, अब मेरा क्या होगा, ये मजाक उड़ा रहे हैं हमारी सोचों का इसके माध्यम से। आगे देखते हैं लाइन, कह रहे हैं अ चेंज ऑफ मूड, लेकिन मैं घबराया नहीं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि मैं घबराया नहीं, मेरे दिमाग में बिल्कुल भी ये विचार नहीं है कि मेरे ऊपर पाउडर गिर गया। और कैसे गिरा, एक क्रो पता नहीं वहाँ बैठा हुआ था, पता नहीं वो उड़ रहा था, लेकिन मेरे ऊपर क्रो की वजह से मेरे ऊपर पाउडर गिरा, स्नो गिरी। और बाइक स्नो, वो अपशगुन पेड़ के माध्यम, पेड़ के ऊपर से मेरे ऊपर पाउडर गिरी। तो लेकिन कभी यहाँ पर क्या रहता है, अ चेंज ऑफ मूड, लेकिन जैसे ही मेरे ऊपर पाउडर गिरी, जैसे ही मेरे ऊपर बर्फ गिरा, मेरा मूड चेंज हो गया। कैसा, क्योंकि कभी कहता है कि मैं बहुत दुखी था जब मैं वहाँ से गुजर रहा था, लेकिन जब मेरे ऊपर गिरा तो मेरा सैडनेस खत्म हो गया, मेरा दिमाग नहीं पाता है, क्या इससे भी कोई अपशगुन होगा, इससे भी कोई दुखदाई चीज होगी कि यार मेरे ऊपर एक ऐसी चीज गिरी जो अपशगुन मानी जाती है। अगली लाइन में देखते क्या कहते हैं, एंड सेव सम पार्ट, अब सेव सम पार्ट कह रहे हैं, मैं सुबह से परसों मैं टेंशन में था, मेरे दिमाग में मूड मेरा ठीक नहीं था, मेरा दिन ऐसे ही गुजरता, लेकिन मेरे ऊपर जब स्नो गिरी, मेरे ऊपर वो जो हेमलॉक ट्री के पाउडर था मेरे ऊपर गिरा, तो मेरा दिमाग चेंज हो गया कि नहीं यार ये सब सैडनेस, ये चीज़ें कुछ नहीं होती हैं, रियलिटी की तरफ जाइए, रियलिटी ये है कि पाउडर में भी डस्ट में भी कुछ नहीं होता है, कह रहे हैं रियलिटी की तरफ जाइए, अगर क्रो बोल रहा है इसमें भी कोई कुछ नहीं होता है, कि सब अपनी ओपिनियन अपनी राय है, बाकी कुछ नहीं है। आगे लास्ट लाइन में कभी कहता है, ऑफ अ डे आई हैड मूड, और होने वाला ऐसा था कि मैं, हो सकता था कि मैं पूरा दिन दुखी रहता, मैं परेशान रहता, इसी विचार में रहता कि अरे नहीं मेरा दिन बेकार जाने वाला है, लेकिन मेरा मूड चेंज हो गया, क्यों, मैंने देखा कि ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपनी ओपिनियन अपनी राय है, नथिंग इसके अलावा। आइए हम इस पोइम के बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। इस पोइम में आप, अगर मैंने कल बात करी थी एक पोइम में, मैंने कहा था कि पेट्रोज के बारे में मैंने बात करा, याटन सरे के बारे में मैंने बात करी, विलियम शेक्सपियर के बारे में मैंने बात करी, जॉन मिल्टन के बारे में यानी कि उनकी सोनेट्स के बारे में मैंने बात करी। अब मैं बात करता हूँ, आपकी 10th क्लास में पहली पोइम है इसलिए ठीक नहीं है कि मैं आपको राइम ना बताऊं। राइम स्कीम निकाली जाती है, इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसको बताएंगे, अभी हम सिर्फ बताते हैं कि राइम स्कीम क्या बनती है। इस पोइम की राइम बनती है ए बी ए बी सी डी सी डी, ए बी ए बी सी डी सी डी, कैसे देखते हैं, ए और बी, ए और बी को माना है और सी और डी को माना है, जैसे क्रो और इस थर्ड लाइन देखिए इसनो, क्रो और इसनो, ए बी, क्या कहा, ए बी, और फिर सी डी सी डी। अब आप देखिए ए और बी, मी और ट्री, ये आवाजें
जो है इसको देखिए आपस में मिल रहे हैं, तो ये हो गया। आगे का सी डी, सी डी सी डी सी डी इस टी को देखिए हेयर और पार्ट, हार्ट और पार्ट, हार्ट और पार्ट, आवाज टीले सी आ रही है। उसके बाद मून और रूट, ये आवाज टीले सी आ रही है। राइमिंग स्कीम हम आवाज साउंड पर निकालते हैं, इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अब हम आपसे बात कर देते हैं कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, यानी कि आप लोगों ने सुना होगा अलंकार के बारे में। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अगर हम हाई स्कूल में बात करें तो अलंकारों के बारे में सिर्फ 3-4 अलंकारों के बारे में बताया गया है, और अगर हम इंटर क्लास 10+ की बात करें तो वहाँ पर 7 अलंकारों की बात करी जाती है। अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें तो वहाँ पर अलंकार जाके पढ़ जाते हैं। हाई स्कूल यानी कि 10th क्लास 12th क्लास में इस अलंकार का यूज नहीं होता है, लेकिन नॉलेज के बतौर आप समझ लीजिए मैं अलंकार बताता हूँ। आपने हिंदी में सुना होगा जिस शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो, यानी कि वो शब्द जो बार बार, वो आवाज़ जो बार बार दिखाई दे उसे क्या कहते हैं, उसे एलिट्रेशन कहते हैं। यहाँ पर एलिट्रेशन का अलंकार का यूज हुआ है। जैसे आप देखिए कि बार बार आया शब्द है क्रो इसनो ट्री हार्ड पार्ट मून यूट, इस तरीके से शब्द आए हैं, ये शब्दों का बार बार यूज़ किया गया है, मतलब एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है, बार बार के शब्दों का यूज़ किया गया है। इसी के साथ ये पोइम यहीं पर ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आप बात करेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की अगली पोइम के बारे में। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, एंड बाय।